नमस्कार सभी साथियों को मेरा, मैं चक्रेश कुमार मीणा। आप सभी दोस्तों को एक बात अच्छे से बता देता हूँ, जो जितने भी बोर्ड हैं जिनमें आउटरीच कैंप लगाया जा रहा है, आप सभी लोग चाहे जूनियर इंजीनियर के कैंडिडेट हो या टेक्नीशियन के कैंडिडेट हो या फिर पैरामेडिकल के कैंडिडेट हो या CMA के कैंडिडेट हो, सभी को पहुँचना है और सभी को आउटरीच कैंप में अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराने के साथ साथ ही आप लोगों को जो ग्रीवेंस भरवाया जा रहा है उसमें आप लोगों को अपनी समस्याओं को भरना है। साथ ही ये ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़के ओवर एज हो रहे हैं हमारे साथी, उनको अपने आईडी कार्ड जो लगा रहे हैं, आईडी कार्ड लगाने के साथ साथ में एक चीज़ अवश्य लिखनी है कि हम लोगों का ये लास्ट एग्ज़ाम था और आगे हम कोई रेलवे का एग्ज़ाम नहीं दे सकते और हम ओवर एज हो चुके हैं, तो हमारे को अगर ये जॉब नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन का अस्तित्व ही लगभग ख़त्म समझो। तो साथियों, ये तो आपका आउटरीच से संबंधित जो लोग कहीं कंफ्यूज हो रहे थे तो उनके लिए बताना था। बाकी के मैं आप लोगों को बता दूं, जिन बोर्डों का अभी आउटरीच कैंप का डेट नहीं आया है, जल्दी एक दो दिन में आ जाएगा, मंडे तक या वेडनेसडे तक लास्ट आ जाएगा सभी बोर्ड का। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हम लोगों को प्रयास लगातार करते रहना है। हम लोगों ने जैसे कि पिछले 8-10 दिन में बहुत प्रयास किया सभी साथियों ने मिलके, और विशेष योगदान उन राजस्थान वाले सभी साथियों का जो हमारे बुलाने पे जयपुर आए, चाहे वो किसी भी RRB के स्टूडेंट थे, स्टैंड बाई के वो साथी जब जयपुर आए तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। और प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरीके से हमारी बात करवाई, आपको पता है, आप जो राजस्थान के लड़के थे, कई बाहर के भी छात्र आए थे, उन्होंने देखा कितना अच्छा रेस्पॉन्स था। तीनों जो सांसद थे जो स्टैंडिंग कमेटी में राजस्थान से आते हैं, माननीय जसकोर मीना जी, सुमेधानंद सरस्वती जी और दिया कुमारी जी, तीनों को हमारे सामने प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने फ़ोन किया और फ़ोन करके उनको बोला कि आप इसी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में मुद्दा को उठाओ, और उन्होंने लगभग मुद्दे को उठाया भी। अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, इससे पहले जो 2 स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग गई थी, उन मीटिंग में हमारी बात उठी थी और कॉमन प्रस्ताव दोबारा से पास हुआ था कि 100% स्टैंड बाई को क्लियर कर दिया जाए। ऐसा ज्ञापन बना के जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं राधामोहन सिंह, उनके लेटर पैड पे दिया गया था। उसकी वजह से ही आज जो ये हमारे आउटरीच कैंप लग रहे हैं, हमें पूछा जा रहा है, वो उन्हीं की बदौलत है। साथ ही हमने जो प्रोटेस्ट सितंबर माह में किए थे दिल्ली में 16 और 18 तारीख को, वो भी बहुत पॉजिटिव रहा उनका रेस्पॉन्स, शायद उनकी वजह से ऐसा सब कुछ हुआ है। और अभी जो प्रोटेस्ट चाहे पटना में चल रहा है, कहीं भी जो संपन्न हुए, वो बहुत ही अच्छा रहा, हम सभी के लिए पॉजिटिव है। हम लोग पहले इन सबका वेट करने के बाद में हम सभी आउटरीच कैंप से जैसे ही वापस आ जाते हैं तो हम सभी लोग एक बार फिर से राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश पूनिया जी, उनसे मिलेंगे। उनसे मिलने के बाद में मैं दोस्तों आपको बताता हूँ, जो कैबिनेट में मंत्री हैं केंद्र में अर्जुन लाल मेघवाल जी, उनका खुद का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव चीज़ मुझे ये बोली कि आप लोगों बहुत सही टाइम पे आए और आपकी संख्या बहुत कम रह गई है, आपके साथ बिल्कुल किसी भी तरीके का कोई अन्याय नहीं होने देंगे हम लोग, और इसको हम प्रधानमंत्री रोजगार मेले में जोड़ के और आप सभी को जल्द से जल्द रोजगार सुनियोजित की करवाया जाएगा। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि अभी आज जैसे कि आज के 4-5 दिन बाद मैं एक बार प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने के बाद मैं वापस दिल्ली, हम 4-5 लोग जाएंगे और माननीय मेघवाल जी से मिलेंगे, और मिलने के साथ साथ ही उनको इस चीज़ के लिए निवेदन करेंगे कि सर आप हमारे साथ चलो, और मैंने रेल मंत्री जी से 2 दिन का समय ले लो, 4 दिन का ले लो, 5 दिन का ले लो, हम लोग दिल्ली में ही हैं, और आप हमारे सामने एक बार इस मुद्दे पर बात करो जिससे कि सभी छात्रों को पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले और इस समस्या का स्थायी निस्तारण हो। साथियों, आप लोगों को बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, आपको इसी तरीके से मैं जो भी आगे की अपडेट है वो देता रहा करूँगा, और हम सभी का लक्ष्य और उद्देश्य एक है, कोई भी एक दूसरे से किसी भी तरीके की कोई ईर्ष्या ना रखे और सभी साथी जितना जिससे जिस तरीके का सहयोग बने वो जरूर से जरूर करें। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा हाथ जोड़ के कि आप सभी दोस्तों को एट लास्ट होली से पहले पहले जॉब मिल जाए। साथियों, धन्यवाद साथियों।